तुम्हारा नाम क्या है जी? मेरा नाम? हाँ बताओ। मालती। मालती, नाम तो तुम्हारा बहुत अच्छा है और तुम भी अच्छी हो। ये दास्तां है एक बहुत ही मशहूर नृत्यांगना की, जिन्होंने अभिनय भी किया और नृत्य में वो कीर्तिमान स्थापित किया जिसका कोई सानी नहीं। नाम इनका सितारा देवी। माफ कीजिएगा, पाँचों कपड़े पहन लेने से आदमी शरीफ नहीं हो जाता। ले कुंवर, तू तो बदमाश बना दिया गया। जी नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ। जन्म हुआ 8 नवंबर सन 1920 में शहर कोलकाता। ऐसा बताया गया कि इनका जन्म धनतेरस के दिन हुआ था, इसलिए इनका नाम धनलक्ष्मी रखा गया। इनका परिवार दरअसल वाराणसी से ताल्लुक रखता था और बाद में कोलकाता शहर में आकर बस गया था। इनके पिता सुखदेव महाराज संस्कृत के ज्ञाता थे, लेकिन वो बच्चों को कथक नृत्य भी सिखाया करते थे। इनके माँ का नाम रहा मत्स्य कुमारी। इनका ननिहाल भी दरअसल कलाकारों से ही भरा था। बस यही समझ लो। ये बताया जाता है इनके वालिद सुखदेव महाराज नेपाल के राजसी परिवार के यहाँ काम किया करते थे। वहाँ पर उन्होंने भरतनाट्यम और नाट्य शास्त्र की पढ़ाई भी की और उन्होंने अपने सभी बच्चों को नृत्य की शिक्षा देने का प्रयास किया, अलकनंदा, तारा और धनलक्ष्मी, और अपने बेटों को भी उन्होंने कला का मार्ग दिखाया। ये बताया जाता है कि सितारा देवी जब 8 की थीं, तब ये सही मायनों में अपने माता पिता के साथ रहने लगी थीं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी सितारा देवी से कहा था कि इसी तरह से कला में मन लगा के काम करो। जी फरमाइए। ये वो जमाना भी था जब नृत्य को एक अजब दृष्टि से देखा जाता था। इस वजह से इनके परिवार को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, पर इनके पिता खुले व्यक्तित्व के इंसान थे, लिहाजा उन्होंने अपनी बच्चियों को नृत्य सिखाया। सलाम तो कर। अरे यही अंदाज तो आशिक को मिठा देते हैं। बैठो बैठो। ये बात भी गौर करने लायक है, ये वो जमाना था जब बाल विवाह चला करता था, लेकिन सितारा देवी ने जिद की कि उन्हें पढ़ाई करनी है, उन्हें अभी शादी नहीं करनी, और इस तरह से इनका बाल विवाह ना हुआ और इन्होंने कामचगढ़ हाई स्कूल में दाखिला लिया। स्कूल में ही इन्होंने दिखा दिया था कि ये कितनी हुनरमंद हैं। स्कूल में किए कार्यक्रम में इनका नृत्य बहुत पसंद किया गया, सभी भाव विभोर हो उठे और तब इनका नाम धनलक्ष्मी से बदल के रख दिया गया सितारा। अभी तक तो भगवान की दया से उनकी बिरादरी में नहीं है, आगे किस्मत। इस बात पर भी गौर करना होगा कि इनकी बड़ी बहन तारा दरअसल कथक गुरु गोपी कृष्ण की माँ रही। छोटी सी उम्र में ही सितारा देवी ने बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था और इसी के चलते ये पहुंच गई मुंबई। मुंबई के जहांगीर हॉल में इन्होंने अपना पहला शो किया और यहां से फिल्मों का रास्ता खुला। उस जमाने के फिल्मकार निरंजन शर्मा ने इन्हें अपनी कंपनी में शामिल किया। फिर आई फिल्म उषा हरण, जो कि सन 1940 में आई थी। उसके बाद नगीना सन 1951 में। हालांकि इन्होंने रोटी और वतन जैसी फिल्मों में भी काम किया और इस बात पर भी गौर करना होगा कि सन 1957 की फिल्म मदर इंडिया में इन्होंने एक होली पे आधारित नृत्य प्रस्तुत किया था, जिसमें ये एक लड़के के रूप में नजर आई थी। बहुत छोटी उम्र में इन्होंने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर दिए थे। इन्हें नृत्य सम्राज्ञी का नाम मिला। इनके निजी जीवन की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि इनका विवाह हुआ था अपने जमाने के बड़े अच्छे एक्टर नजीर अहमद खान से। वो इनसे उम्र में काफी बड़े थे, लेकिन ये शादी ज्यादा लंबी ना चली। दूसरा विवाह हुआ इनका फिल्म मुगले आजम के निर्देशक के आसिफ से। ये शादी भी ज्यादा लंबी ना चली और अपने दूसरे तलाक के बाद सितारा देवी का विवाह हुआ प्रताप बैरोट से। इस शादी से इन्हें एक बेटा हुआ जो कि आज की तारीख में संगीत की दुनिया में कमाल कर चुका है, जिसका नाम है रंजीत बैरोट। सितारा देवी को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया सन 1973 में पद्मश्री से और सन 1995 में कालिदास सम्मान भी इन्हें मिला। इस बात पर भी गौर करना होगा, जब इन्हें पद्म भूषण से नवाजा जाने वाला था तब इन्होंने इनकार कर दिया था। मैं ये सोच रही हूँ क्या जवाब दूँ। हालांकि ये मुख्यतः कथक नृत्य के ही कार्यक्रम किया करती थी, लेकिन आगे जाकर लोक नृत्यों में भी इनकी दिलचस्पी बढ़ी और भरतनाट्यम में भी। इन्होंने रशियन बैले भी सीखा। इन्होंने बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों को कथक सिखाया, चाहे वो मधुबाला रहीं, रेखा रहीं या फिर माला सिन्हा। 25 नवंबर सन 2014 को मुंबई शहर में एक लंबी बीमारी के बाद इनका इंतकाल हो गया।
भारतीय सिनेमा का इतिहास इनके नाम के बगैर सदैव अधूरा रहेगा। लेकिन कोशिश तो यही की जा रही है कि मैं इस घर की शोभा बन जाऊं। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें People and History।